नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी, भारत सरकार में मेरे साथी भाई रमेश जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात के शिक्षा मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रवि उपाध्याय जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU के प्रेसिडेंट प्रोफेसर तेज प्रताप जी, सभी उपस्थित महानुभाव और साथियों, आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, आज़ादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज इस पवित्र दिन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में बाबा साहब समरसता चेयर की स्थापना की घोषणा भी हुई है। अभी बाबा साहब के जीवन पर, उनके विचारों पर, आदर्शों पर भाई किशोर मकवाना जी की 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ है। मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महानुभावों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आज़ादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है, और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें। समरस समाज की बात हो, दलित वंचित समाज के अधिकारों की चिंता हो, महिलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्न हो, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा पर बाबा साहब का विजन हो,
इन सभी आयामों से देश के युवाओं को बाबा साहब को जानने समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, डॉक्टर आंबेडकर कहते थे, मेरे तीन उपास्य देवता हैं, ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट्स से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वह हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आंबेडकर हमें जो मार्ग दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है। और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन हु कैन बैटल अगेंस्ट हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस एंड एडवर्सिटीज ऑफ नेचर। तात्पर्य ये कि शिक्षा को वो, यानी शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे। उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर स्पेशल इश्यूज रिलीज किए गए। ये इश्यूज इस बात के डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, ग्लोबल पैरामीटर्स की पॉलिसी है। आप सभी विद्वज्जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बारीकियों से परिचित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने एजुकेशन के जिन पर्पज की बात कही थी वही इस पॉलिसी के कोर में दिखता है। मुझे बताया गया है कि इस बार आपने सेमिनार की थीम वो भी यही रखी है, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं NEP को लेकर लगातार विशेषज्ञों से चर्चा करता रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जितनी प्रैक्टिकल है उतनी ही प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। साथियों, आपने अपना पूरा जीवन शिक्षा को ही समर्पित किया है। आप सब भली भांति जानते हैं
कि हर स्टूडेंट का अपना एक सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। इन्हीं क्षमताओं के आधार पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने तीन सवाल भी होते हैं। पहला, वो क्या कर सकते हैं? दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो क्या कर सकते हैं? और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं? एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये उसकी इनर स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम उनकी इनर स्ट्रेंथ के साथ उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दे दें, तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन से हमारे युवा वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। इसलिए आज देश का खास जोर स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल युवाओं की भूमिका और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्किल्स की इसी ताकत को देखते हुए देश को पहले शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के कोलैबोरेशन पर बहुत जोर दिया था। आज तो देश के पास और भी असीम अवसर हैं, और भी आधुनिक दौर के नए नए उद्योग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा से लेकर 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और स्मार्ट हेल्थ केयर के डिफेंस सेक्टर तक आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है। देश के तीन बड़े शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है। कुछ महीने पहले दिसंबर में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में पहला बैच भी शुरू हो गया है। नेस्कॉम के साथ भी 2018 में फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव शुरू किया है। ये इनिशिएटिव 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 150 से ज्यादा स्किल सेट्स की ट्रेनिंग देता है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में NETF का भी प्रावधान है, जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देता है। हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बने। हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे इजी एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा। इस पर आप सभी वाइस चांसलर्स को विशेष ध्यान देना होगा। देश में जो नई नई संभावनाएं हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हम संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा स्किल पूल हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तैयार होगा। आप सभी से आग्रह है कि इस दिशा में और तेजी से काम हो, एक तय समय के भीतर उस काम को समाप्त किया जाए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए देश तेजी से गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। बाबा साहब ने
समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जिस भीम यूपीआई को शुरू किया गया था, आज वो गरीब की बहुत बड़ी ताकत बना है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। आज हर गरीब को हर गरीब को घर मिल रहा है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है। जब उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत गांव में भी साफ पानी पहुंचाने का एक भरपूर मिशन मोड में काम हो रहा है। कोरोना का संकट आया तो भी देश गरीब मजदूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही तो बाबा साहब का रास्ता है, यही तो उनके आदर्श हैं। साथियों, बाबा साहब हमेशा महिला सशक्तिकरण पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। उनके इसी विजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है। घर और स्कूल में शौचालय से लेकर सेना में युद्धक की भूमिकाओं तक देश की हर पॉलिसी के केंद्र में आज महिलाएं हैं। इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है। बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण का अवसर मिला था। आज ये सेंटर सामाजिक आर्थिक विषयों पर बाबा साहब के जीवन पर रिसर्च के केंद्र के रूप में उभर रहा है। साथियों, आज हम आजादी के 75 साल के करीब हैं और अगले 25 सालों के लक्ष्य हमारे सामने हैं। देश का ये भविष्य के लक्ष्य और सफलताएं हमारे युवाओं में से जुड़े हुए हैं। हमारे युवा ही इन संकल्पों को पूरा करेंगे। हमें देश के युवाओं को वो उनकी सामर्थ्य के हिसाब से अवसर देने हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबके ये सामूहिक संकल्प, हमारे शिक्षा जगत के ये जागृत प्रयास नए भारत के इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। हमारे ये प्रयास, ये परिश्रम ही बाबा साहब के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।